अस्सलाम वालेकुम माय डियर सेवन्थ क्लास स्टूडेंट्स। देखो बेटा, हम ये बार ग्राफ्स कर रहे हैं, एक्सरसाइज 3.3, पेज नंबर है ये 85। हाँ यस, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं। तो इधर क्या लिखा है, इधर क्लासेस का है 5th का रोल 135, 6th का है 120, 7th 95, इंग्लिश 8th 100, 9th 90, 10th 80। देखो बेटा, अब हमें एक बार ग्राफ के हिसाब से दिखाना है, हाउ वुड यू चूज अ स्केल, आप स्केल कैसे बना सकते हो। हम स्केल कुछ भी चूज कर सकते हैं, जैसे मैंने इधर किया है, पुट 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 20 स्टूडेंट्स। यस, मैंने नीचे भी लिखा है इसको। तो मैंने एक बार ग्राफ इधर बनाया, इधर मैंने इसको ऐसे डिजिटस में बना दिया। देखो 6th, 5th का ऐसे बना दिया, यस 6th, 7th, 8th, 9th और 10th। देखो कैसे बनाया है। तो स्केल को मैंने 1 सेंटीमीटर को 20 स्टूडेंट्स के बराबर रखा। अब देखना है मैक्सिमम चिल्ड्रन किस क्लास में है, ज़्यादा बच्चे तो ज़्यादा बच्चे 5th में है, जाहिर सी बात है 5th का ग्राफ ऊपर तक है। यस, तो फिर देखेंगे मिनिमम चिल्ड्रन किस में है, तो नीचे है, इसका नीचे है ग्राफ, 10th का नीचे है ग्राफ, वो डबा इसका नीचे है। तो 10th वाला जो है उसमें मिनिमम स्टूडेंट्स है। फिर रेशो देखना है थर्ड इस नेक्स्ट पार्ट में, 6th और 8th का 120 है उसका रोल और उसका है 100, तो 20 से हम इसको कैंसिलेशन करेंगे, यस 26,000, यस 25,000, 6:5 है इसका रेशो। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 भी है, तो उसमें बच्चों को एग्ज़ाम लिया गया है, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म जैसे आपका होता है, इंग्लिश में लिया गया है। देखो 67 है और सेकंड टर्म में इस बच्चे का है, यस 70 मार्क्स। हिंदी का है 72, 65, 88, 95, 81, 85, 73, 75, यस यू कैन डू इट। अब इसको डबल बार ग्राफ के जरिए दिखाना है। डबल बार ग्राफ क्या होता है, दो बार ग्राफ हम एक साथ दिखाते हैं तो उनको हम डबल बार ग्राफ बोलते हैं। तो इसमें ये हमें पूछता है कि सब्जेक्ट में इम्प्रूवमेंट अच्छी है, किस सब्जेक्ट में परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, किस सब्जेक्ट की परफॉर्मेंस डाउन हो गई है दूसरे एग्जाम में। तो हम देखेंगे, ऐसे भी देख सकते हैं लेकिन ऐसे देखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन जब हम ग्राफ पर नज़र दौड़ाते हैं, जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे, देखो मैंने पहले टर्म और दूसरी टर्म इंग्लिश की देखो कैसे दिखाई है, पहले वाले का थोड़ा सा हल्का शेड किया, दूसरे का ये बारीक शेड किया। आप कुछ भी कर सकते हो, एक को एक कलर करो, दूसरे को दूसरा कलर करो। यस, हिंदी का इसी तरह है, मैथ का है, साइंस का है, सोशल साइंस का है। अब हमें पहला वाला पार्ट पूछता है, इम्प्रूवमेंट के सब्जेक्ट में अच्छी है, जिसका ग्राफ लंबा होगा, ऊपर तक होगा। यस, मैथ का ऊपर तक चला गया है, यस लीस्ट किस में है। अब सवाल इधर है, ठीक तरह से देखना है, इधर कंफ्यूजन होता है। हाँ शायद इसके आंसर में भी कंफ्यूजन, उसने सोशल साइंस लिखा है, नहीं मेरे ख्याल में इंग्लिश की परफॉर्मेंस डाउन है, तो हम इधर इंग्लिश लिखेंगे, यस। फिर हमें पूछता है पहले एग्जाम और दूसरे एग्जाम को कंपेयर करो। फिर देखो दूसरे एग्जाम में कहाँ ग्राफ डाउन हुआ है, देखो पहले में थोड़ा सा ऊपर हुआ है, दूसरे में डाउन, तीसरे में भी ऊपर, चौथे में भी और उसमें भी ऊपर। तो अब हिंदी का मामला रहा, हिंदी को पहले एग्जाम में बच्चों ने अच्छा किया था लेकिन दूसरे एग्जाम में बच्चे डाउन आ गए हैं, ग्राफ नीचे चला गया है। तो हम इधर आंसर में हिंदी लिखेंगे। इस तरह से आज आप इस पेज नंबर 85 को गौर से देखोगे और ये ग्राफ अपने स्केल से बनाओगे, तो इस पर मेहनत करोगे। थैंक यू वेरी मच।